एनआईटी में 17 दिसंबर को दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाना था। इस समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा शिरकत की जानी थी, लेकिन अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दौरा स्थगित हो गया है। अब इस दौरे के स्थगित होने पर एनआईटी प्रबंधन के द्वारा की गई सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई है। समारोह की तैयारियों में लाखों रुपए खर्चा करके प्रशासन भी जुटा हुआ था। उपायुक्त हमीरपुर रोहनजन ठाकुर ने बताया कि एनआईटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति को शिरकत करनी थी, लेकिन दौरा स्थगित होने की सूचना उन्हें मंत्रालय से मिली है और इस कारण अब राष्ट्रपति हमीरपुर नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि हमीरपुर के एनआईटी संस्थान के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी। राष्ट्रपति की सुरक्षा और दूसरी गतिविधियों पर भी सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी, लेकिन अब दौरे के स्थगित होने से एनआईटी प्रबंधन भी मायूस दिख रहा है। हमें सूचना मिल गई थी कल कि जो राष्ट्रपति महोदय का जो एनआईटी में जो दौरा था, वो वैसे तो उनकी चिट्ठी बोलती कि वो पोस्टपोन हो गया है, और उनके ये चिट्ठी डायरेक्ट एनआईटी को प्राप्त हुई थी और उनके माध्यम से हमें भी पता चल गया है, और हम स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी हमें पता चल गया है कि उनका दौरा जो 17 को होना था वो अब नहीं। आपको बता दें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की एंजियोप्लास्टी की गई है, इस कारण यह दौरा स्थगित किया गया है। के चैनल के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट।